सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्मा जी ने एक नेमी छोड़ा, नेमी अर्थात एक चक्र, कि ये जहां जाकर रुक जाएगा वह भूमि पवित्र है। यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ में भूमि पवित्र होनी चाहिए, घी पवित्र होनी चाहिए, यज्ञ की संविधा पवित्र होनी चाहिए, नहीं तो यज्ञ नहीं हो सकता। अगर यहां हम यज्ञ करना चाहते हैं तो 21 हाथ खोद कर देखे कि इसके अंदर कोई जीव की हड्डी वगैरह तो नहीं है। अगर कोई हड्डी रह गई, उसमें आपने यज्ञ किया तो यज्ञ का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा। इसलिए कलयुग में यज्ञ भी नहीं हो सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो ध्यान करते थे वह भी नहीं हो सकता। तो कलयुग के दोष से कैसे बचे? तो कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जब हम कीर्तन करेंगे तभी कलयुग के मोह से हम निकल पाएंगे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु, काल व्याल के मुख के अंदर हम घुसे पड़े हैं, काल सर्प के मुख के अंदर। और तभी तक हम सुरक्षित हैं। कब तक? बोले जब तक सर्प अपना मुख खुला छोड़ा है। जैसे ही मुख बंद करेंगे हम सब खत्म हो जाएंगे।